वेलकम टू ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम वंदना ग्रोवर है और आज मैं आपके सामने द टाइगर पोयम जो विलियम ब्लेक ने लिखी है उसके लास्ट 3 पैरा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? What बोल रहा है टाइगर, कहता है देखकर कि अरे कितनी अद्भुत रचना है ये। वो कहता है कौन सा ऐसा हथौड़ा होगा और कौन सी चेन होगी और साथ साथ कौन सी ऐसी भट्टी होगी जिसमें तुम्हारे दिमाग को बनाया होगा। मतलब कभी को विश्वास नहीं हो रहा कि वह भगवान जो संसार में खरगोश जैसी भोली भाले जीवों को बनाता है उसने इतना हिंसक जंतु कैसे बना दिया। एक तरफ तो बात कर रहे हैं जानवरों की जो डायरेक्ट हमें इसमें दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कवि संकेत कर रहा है मनुष्य के लिए कि अगर एक तरफ इतने भोले भाले सीधे साधे मनुष्य संसार में है तो दूसरी तरफ उसके बिल्कुल विपरीत बहुत ही हिंसक बहुत भयानक लोग हिटलर जैसे लोग भी इसी संसार में हुए हैं और वो सब एक ही भगवान की रचना है। फिर तो बोलते हैं व्हाट द एनविल, तो बोलते हैं कि वो कौन सा औजार रहा होगा। एनविल एम्पी किसको बोलते हैं, ऐसा औजार ऐसा यंत्र जिस पर रखकर लोहे को पीटा जाता है। तो बोलते हैं कि तुम्हें बनाने के लिए एनविल पता नहीं कहाँ से लाए होंगे। फिर आगे बोलते हैं What dread brass tear its deadly terrors clasp? और कौन से वो भयानक हाथ होंगे जिन्होंने तुमको पकड़ने का साहस किया होगा। फिर एक बार देखते हैं, वो कह रहे हैं What the hammer, कौन सा वो हथौड़ा होगा, कौन सी वह चेन होगी और साथ साथ न जाने किस भट्टी में तुम्हारे दिमाग को तैयार किया गया होगा। What the anvil, कौन सा वो एनविल होगा। एनविल क्या है, लोहे को जिस पर रखकर पीटा जाता है उस यंत्र को उस वस्तु को हम बोलते हैं एनविल। व्हाट ड्रेड ग्रेस्प डेयर इट्स डेडली टेरर क्लैश, कौन से वो भयानक हाथ होंगे जिन्होंने तुम्हें जकड़ने का पकड़ने का साहस किया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पैरा आ रहा है व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पियर्स एंड वाटर्ड Heaven with their tears, कह रहे हैं कि जब स्टार्स ने तारों ने नक्षत्रों ने अपने स्पियर्स बोलते हैं भाले को भाले उठा के मारे नीचे फेंके एंड वाटर हेवन और साथ साथ उन्होंने हेवन को स्वर्ग को भर लिया किससे विद देयर टीयर्स अपने आंसू से। किस बात पर रोए होंगे, और रोए इस बात पर कि भगवान ने कैसी रचना कर दी टाइगर के रूप में, इतनी हिंसक प्राणी को जन्म की रचना कर दी। Did he smile and work to see, कह रहे हैं जब तारे तक रोए ऐसे में क्या वह भगवान अपने इस काम को देखकर मुस्कुराया होगा। Did he who made the lamb make thee, फिर एक प्रश्न उसने कर दिया रवि ने कि did he कि वह व्यक्ति वह भगवान जिसने लैम्ब को बनाया, लैम्ब बोलते हैं मेमने को, बहुत ही कमजोर और सीधा सीधा भोला भाला वो होता है, तो कह रहा है जिसने मेमने को बनाया उसने ही तुम्हें बनाया, क्योंकि और आया तो एक ही है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट व्हाट इमॉर्टल हैंड्स और आई डेयर फ्रेम थाई फियरफुल सिमेट्री। ये पैरा शुरू में भी आया था, फर्स्ट भी यही था हमारा कि टाइगर तो तुम इस तरह से ब्राइटली चमक रहे हो, जलते हुए प्रतीत हो रहे हो, इन द कहाँ इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइट, रात के समय अंधकार में जंगल में अगर किसी को कुछ दिखाई ना दे ऐसे में तुम आ जाओ तो तुम मानो वहाँ उज्जवला सा कर देते हो, कैसे अपनी ब्राइट स्ट्रिप के थ्रू ये चमक लगती है उसमें। कह रहे हैं व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई को, कौन सा अमर हाथ या आँख होगी डेयर फ्रेम थाई फियरफुल सिमेट्री, जिससे तुम्हारे जैसे भयानक रचना को बनाने का डेयर साहस किया होगा। तो हमने इस तरह से इसमें क्या देखा, यहाँ आकर आपके प्रश्न कंप्लीट हो रही है और हम इसको देख रहे हैं
कि शुरू से लेकर आखिर तक कभी को इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि क्या टाइगर जैसे हिंसक जंतु को भी भगवान ने बनाया। यहाँ कभी एक तरफ तो हिंसक जंतु की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो इनडायरेक्ट वे में उन बुरे लोगों की ओर इशारा कर रहा है जो दूसरों के पर पूरे हावी हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं हिटलर का, कि दूसरों पर के साथ हिंसा करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। वो कहते हैं कि बनाने वाला सबको भगवान ही है। फिर जब एक तरफ महात्मा गांधी बने या हुए तो दूसरी तरफ हिटलर जैसे व्यक्ति भी हुए। तो यहाँ आकर हमारी कंप्लीट होती है। आप नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेकर मैं आऊँगी। तब तक के लिए बाय। मेरी इस फिल्म को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। ओके बाय।